हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑसम ब्लॉसम गार्डनिंग चैनल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर सर्दियों के प्लांट रखे हुए हैं, बट मैं इसके बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। आज मैं वो प्लांट बताऊंगी जो कि समर लविंग प्लांट हैं और जिनके हैंगिंग बास्केट बनाए जाते हैं और बनाए जा सकते हैं। मैंने उनको हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है और जो कि समर में ही लगाए जाते हैं, बहुत अच्छे से वो ग्रोथ ले लेते हैं। और 30 से भी ज़्यादा फ्रेंड्स मेरे पास हैंगिंग बास्केट तैयार हैं, तो वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो उसको मैं दो पार्ट में बनाऊंगी। तो पहला पार्ट मैं दिखा रही हूँ ये बेबी सनरोज का। तो देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी। इस समय पर आप कहीं से भी इसकी कटिंग ले आइए या इसको नर्सरी से बाय कर लीजिए। बहुत सुंदर प्लांट है, इसमें रेड कलर के फ्लावर निकल के आते हैं हर स्टिक में। 15-20 दिन बाद से ही इसमें फ्लावर निकल के आने लगेंगे। ये सक्यूलेंट वेराइटी का प्लांट है, इसको वेल्ड्रीन सॉइल में लगाइए। नेक्स्ट है ये बहुत ही सुंदर प्लांट, गर्मियों का तो ये राजा प्लांट है, मॉस रोज। ये सक्यूलेंट वेराइटी का प्लांट है, इसको वेल्ड्रीन सॉइल में लगाइए। और अभी आप इस समय पर लगा लेंगे तो मार्च में इसमें फ्लावर भर भर के निकलेंगे, और मैं भी यही करने वाली हूँ। कुछ दिन में वीडियो भी डालूंगी इसका, मैं भी रिपोर्ट करने वाली हूँ। अभी तो ये मेरे प्लांटर में ही लगा हुआ है। नेक्स्ट है ये बेबी डियर्स का प्लांट। तो देखिए ये भी बहुत सुंदर प्लांट है और ये समर लविंग प्लांट है। इसमें आप ग्रोथ चालू हो चुकी है, इसकी आप नई नई कटिंग लगा सकते हैं और हैंगिंग प्लांटर भी रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये हैंगिंग बास्केट में लगने वाला बहुत ही सुंदर प्लांट फ्रेंड, मनी प्लांट। ये पोथोस की वेराइटी है, वेरीगेटेड है। देखिए वाइट और ग्रीन कलर की इसमें लीव्स भी निकल कर आ रही हैं। नेक्स्ट है ये बॉल्विन ज्यू का प्लांट। तो देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। ये देखिए अभी मैंने कुछ दिन पहले ये हैंगिंग बास्केट तैयार करी है, इसी प्लांटर में से लेके इसकी कटिंग लगाई है। बस सॉइल पे इसको रख दीजिए और वेल्ड्रीन सॉइल में लगाइए, तो बहुत सुंदर ये ग्रोथ लेते हैं। नेक्स्ट है ये स्विस चीज़ का प्लांट। तो देखिए ये भी बहुत सुंदर प्लांट है, जिसको कि हैंगिंग प्लांटर में लगाया जा सकता है और ये समर लविंग प्लांट है। इसमें बहुत जल्दी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है समर में। इसमें ये देखिए ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है और इसको वेल्ड्रीन सॉइल में लगाइए। नेक्स्ट प्लांट है ये फिलोडेंड्रोन का, वेरीगेटेड इसकी लीव्स निकल कर आती हैं। इसकी वेल्ड्रीन सॉइल बनाइए और ये पोथोस की वेराइटी है। नेक्स्ट है ये चाइनीज वॉलेट का प्लांट। ये देखिए कितनी सुंदर इसकी वेरीगेटेड लीव्स हैं, बहुत छोटी छोटी। इसकी खासियत है इसमें पर्पल कलर के छोटे छोटे फ्लावर भी निकल कर आते हैं, तो बहुत सुंदर ये हैंगिंग प्लांटर है जो समर लविंग प्लांट है। इसमें अब पर्पल कलर के फ्लावर भी आएंगे। यहाँ देखिए टेंगल हार्ट की साइड से, देखिए टेंगल हार्ट की कितनी अच्छी कटिंग लग गई है। ये साइड से मैंने डाल दी थी। नेक्स्ट है ये ऑल्टरनेंथ्रा का प्लांट। ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगता है। इसमें रेड कलर की लीव्स निकल के आती है, इसमें एक ग्रीन कलर का भी होता है। तो ये बहुत सुंदर प्लांट है हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए, बहुत सस्ता भी होता है। इसकी देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है इस समय पर। ये समर लविंग प्लांट है, ग्रोथ देखिए आप, नई नई लीव्स निकल कर आ रही हैं इसमें। नेक्स्ट है ये रिबन ग्रास का प्लांट। ये भी हैंगिंग बास्केट में लगाया जा सकता है और ये देखिए बहुत सुंदर और बहुत स्ट्रॉन्ग परमानेंट प्लांट है। इसको हैंगिंग बास्केट में लगाइए, पूरा हैंगिंग बास्केट ही भर जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट है ये पीलिया डिप्रेसा का प्लांट। तो देखिए ये भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसकी देखिए ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। ये मेरा पुराना प्लांटर है और बहुत सुंदर इसकी ग्रोथ निकल कर आ रही है। अब ऊपर से स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर देखिए ये फुटाव चालू हो गए हैं और ये पहले के ही लगे हुए हैं। इन प्लांटर पे आप ध्यान दीजिए, इसकी गुड़ाई वगैरह करके आप इसमें वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए इन सभी प्लांटर के अंदर, फिर से ये ग्रोथ ले लेंगे। नेक्स्ट है ये टेंगल हार्ट का प्लांट। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके मैंने तीन तीन प्लांटर रेडी कर रखे हैं और ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। ये सक्यूलेंट वेराइटी का प्लांट है, तो इसमें कम पानी दीजिए। फरवरी मार्च में बहुत अच्छी ग्रोथ ले लेता है ये प्लांट। अभी इसकी कटिंग से और इसको बाय करके भी आप लगा सकते हैं। देखिए मैंने कितने सारे प्लांटर इनके रेडी कर लिए हैं और भी जगह पर मेरी कटिंग लगी हुई है, और जहाँ पर भी ये गिर जाती हैं तो वहीं से ये नया प्लांट बनना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है ये वॉन्डरिंग ज्यू का प्लांट। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर प्लांट है, इसके मैंने तीन तीन हैंगिंग बास्केट तैयार कर रखी है और ट्रेल करती है तो बहुत सुंदर प्लांट लगता है। देखिए ये छोटा सा, देखिए कितना सुंदर ट्रेल करता है ये प्लांट। आप भी इसे लगाइए, और विंटर में इस तरीके से इनकी लीव सूख जाती हैं तो आप दोबारा से नए प्लांटर इनके रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी ये लीव सूख चुकी हैं इस ब्रांच में, और यहाँ पे देखिए रूट भी निकली हुई है, तो बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाएंगे ये प्लांट। नेक्स्ट है ये अजवाइन का प्लांट। तो इसकी भी हैंगिंग बास्केट बहुत सुंदर लगती हैं। ये देखिए कितने सुंदर इनके लीव्स निकल कर आती हैं, और ये एक सक्यूलेंट वेराइटी का प्लांट है कि इसको मैंने कटिंग से भी ये रेडी किया है। ये देखिए आप, इसी प्लांटर से मैंने एक कटिंग लगाई थी छोटी सी, और उसी से इतना अच्छा प्लांट बन चुका है। तो बहुत सारी आप इससे कटिंग भी तैयार कर सकते हैं और हैंगिंग बास्केट भी नए नए आप बना सकते हैं इनके। नेक्स्ट है पर्सलेन का प्लांट।
तो ये भी एक सक्यूलेंट वैरायटी का प्लांट है। इसके भी हैंगिंग बास्केट बहुत सुंदर बनते हैं, देखिए कितने सुंदर इसके फ्लावर भी खिलने लगे हैं अब प्लांटर के अंदर। तो ये पहले का ही मेरे लगे हुए हैं, अब मैं इनके हैंगिंग बास्केट अलग अलग करके डिवाइड करके लगा लूँगी, तो आप भी लगाइए। ये देखिए सारे ही पुराने प्लांटर हैं जिनको मैं फिर से हैंगिंग बास्केट तैयार करूँगी।